दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए आप लोगों को ये बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला हूं, और आप सभी लोगों का शुभम त्रिपाठी फिटनेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ बातें शेयर करने आया हूं जो आपके फिटनेस को और भी अच्छा करेगा और आपके जिम वर्कआउट को और भी जिम वर्कआउट और जिम ट्रेनिंग को अच्छी और बेहतर कंडीशन देगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने जितना भी अनुभव है वो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोगों को ट्रेनिंग और डाइट प्लान दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल में आप लोगों को शुभम सर से बहुत सारे पर्सनल टिप्स, पर्सनल ट्रेनिंग और 3 महीने का कोर्स दिया जाएगा जिसकी फीस 299 रुपये के है, जिसके टीचर शुभम त्रिपाठी सर रहेंगे। और साथ में हम लोग भी काम करते रहेंगे, पूरी फिटनेस टीम उनकी काम करती रहेगी, हम लोग भी आपका पूरा भरपूर सहयोग देंगे। और आप शुभम सर को ज्वाइन करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। तो इसी और आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जिम ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का क्या बोलते हैं कि सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल सभी लोगों के जीवन में होता है। जिम ज्वाइन करना सभी लोगों के जीवन में होता है, क्योंकि जिम थोड़े से एक ऐसी ऐसा क्षेत्र है कि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, समय देना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें पेशेंस देना पड़ता है। आपके अंदर जितना देर तक पेशेंस रहेगा सबसे बढ़िया उतना अच्छे से ही आप अपना जिम वर्कआउट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब आप जिम शुरू करेंगे या कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो आपको सपोर्ट और हौसला देने से ज़्यादा आपको डीमोटिवेट और आपका हौसला गिराने वाले लोग मिलेंगे। तो ये इन लोगों की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद की ज़िंदगी में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, पूरी ज़िंदगी बस दूसरों के जीवन में टीका टिप्पणी करते रह जाते हैं। तो इन लोगों को बस एक क्या वो अपवाद मानकर छोड़ देना चाहिए, अपवाद मानकर छोड़ देना चाहिए, इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। और मैं इसी का उदाहरण देते हुए मैं कुछ अपने लाइफ का अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं जिम ज्वाइन किया था तो सबसे पहले तो मुझे घर से परमिशन लेना पड़ा था, और मुझे पता था कि मैं अगर घर पे पूछूंगा तो मुझे जिम जाने का परमिशन मिल भी जाएगा। मैंने सबसे पहले आया तो मम्मी से बात की कि मम्मी मैं जिम जाऊंगा, तो उन्होंने बोला ये क्या होता है, उनको पता ही नहीं था कि जिम क्या होता है। मैंने उनको समझाया कि ये एक प्रकार का व्यायाम होता है, योगा होता है, शरीर को फिट रखने के लिए ही लोग जिम जाते हैं। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है जा सकते हो, लेकिन एक बार पापा से बात कर लेना। तो मम्मी को परमिशन मिल गया था तो मुझे पता था पापा से तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा मुझको सपोर्ट करते आए हैं आज तक, और किसी काम को करने के लिए उन्होंने रोका नहीं। हाँ, बस हमेशा हमसे वो एक ही बात बोले हैं कि कुछ भी करना गलत काम मत करना। तो पापा से परमिशन मिल गया था, लेकिन घर से परमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप मैं निकलता था जिम जाने के लिए निकलता था तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते थे, और मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ तो गांव का तो थोड़ा माहौल होता है ये लोगों के एक दूसरे के लोगों को ताका झाकी करना। तो जब मैं लेके निकलता था तो लोग ताना भी मारते थे और उल्टे सीधे बातें बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे कि पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो हुनर है, आपका जो जिसमें करने का जो दिल करता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप पढ़ाई करिए, लेकिन उनके साथ साथ अपनी आपका जो हुनर है उसको भी निखारिए, उसको भी करिए आप। तो मैं जिम आ जाता था, मैं पहली बार जब जिम में घुसा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ लोगों की बॉडी बहुत अच्छी थी, कुछ लोग अभी नया नया ज्वाइन किए थे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहला पहला अनुभव किया था वहाँ जाने पे, तो मैं देख के थोड़ा सा अंदर से नर्वस हो गया। और जब कुछ करने गया, पुशअप लगाने गया या डंबल लगाने गया या बेंच प्रेस लगाने गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाता था क्योंकि मैं पहली बार जिम में गया था। और जो दूसरे लोग वहाँ करते थे वो लोग देख के हंसने लगते थे, तो बहुत अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती थी। और ये मैं अपने जीवन का नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन से रिलेटेड सभी लोगों के जीवन का, सभी लड़कों के जीवन को बता रहा हूँ। ऐसा होता है, जिम में आते हैं नहीं कर पाते हैं, जो वहाँ के पर्सनल पुराने लोग होते हैं वो देख के कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं।
तो इससे उन लोगों को नर्वस नहीं होना है, यही मैं बताने आया हूँ कि इससे नर्वस नहीं होना है। ये सारी चीज़ें कुछ दिन तक होती रहेंगी, ये सारी चीज़ें कुछ दिन तक होती रहेंगी, आप प्रतिदिन और रेगुलर रहिए, ये सारी चीज़ें आप घट जाएंगी, आपकी ट्रेनिंग सही होने लगेगी, आपका वर्कआउट पोजिशन सही होने लगेगा, आप वर्कआउट सही करने लगेंगे, आपका ध्यान भी लगने लगेगा। हाँ, ये जो थोड़े से लोग डिमोटिवेट और इन सब करने वाले, मैं दूसरे लोगों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, आप खुद करिए, आप खुद करिए, और अच्छा वर्कआउट कर रखने के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अच्छी डाइट के लिए आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, शुभम त्रिपाठी फिटनेस। और मात्र इसकी कोई उतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, 299 रुपये आप सब लोग आराम से दे सकते हैं, और 3 महीने का कोर्स दूंगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे मुताबिक, शुभम सर के कहे मुताबिक, आप जो जो बताएंगे, जो ट्रेनिंग बताएंगे, जो डाइट बताएंगे, वो आप फॉलो करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ फर्क तो दिखेगा ही। आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप कार्डियो करना चाहते हैं, आप पर्सनल ट्रेनर लेना चाहते हैं, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, बस सिर्फ 299 रुपये में। तो एक बार ज्वाइन कीजिए और मौका कर, आपकी सेवा देने का मौका दीजिए हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिम करके आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, आप जिम करने के बाद, आप जिम में कोर्स आता है, जिम करने के बाद आपको नौकरियाँ मिलेंगी, ये किसी को पता नहीं है, सबको लगता है कि जिम बस वैसे हुआ, गए कर लिए ट्रेनर बन गए, ये सब कुछ नहीं, सब कुछ होता है, लेकिन आपको इसके साथ साथ इसकी शिक्षा भी ली जाती है, इसकी पढ़ाई भी होती है, इसका कोर्स दिया जाता है, और इसमें जॉब भी मिलती है। मैं कुछ फॉरेन और सिटियों के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया आती है, जेम्स मेडिसियो यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकिंगम आता है, ये 4 यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसमें आप जा सकते हैं, आपको फिटनेस का कोर्स कराया जाएगा, 1 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है, जिसकी मैक्सिमम फीस होती है पर ईयर होती है 30,000-40,000 पर ईयर मैक्सिमम फीस होती है इसकी। मैं कुछ इंडियन एकेडमियों के नाम बताऊंगा, इंडियन कॉलेज के नाम बताऊंगा, जिसमें फीस बहुत नॉर्मली सरकारी कॉलेज हैं और बहुत कम ही फीस होती है, आप जा सकते हैं। जैसे पहले नंबर पता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, ये एक भारतीय यूनिवर्सिटी है और इसकी मैक्सिमम फीस 7,000 रुपये है, बस मैक्सिमम फीस 7,000 रुपये है। और बहुत सारे ऐसे भारतीय कॉलेज हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि BPCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुंबई, ये मुंबई में पढ़ता है, ये भी आपको प्रोवाइड कराएगा, इसकी डिग्री दिलवाएगा, फिटनेस की डिग्री दिलवाएगा। तीसरे नंबर पर आता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और मैं इन सब में आपको डिग्रीज के नाम बताता हूँ, ये सब किस एक इन सब कॉलेजों में कौन सी डिग्रीज आपको दी जाती है। डिग्री का नाम बताता हूँ कि काइनेसियोलॉजी और व्यायाम विज्ञान की डिग्री मिलती है, जैव यांत्रिकी की डिग्री मिलती है, खेल और स्वास्थ्य प्रबंधन की डिग्री मिलती है, शारीरिक शिक्षा की डिग्री मिलती है, बहुत सारे डिग्रियाँ मिलती हैं। और मैं अगर बताना चाहूँ कि आप अगर इसमें सर्टिफिकेट कौन कौन से पा सकते हैं, तो इसमें आप ACE सर्टिफिकेट पा सकते हैं, कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होता है ये ACE एक सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होता है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको ये डिग्री मिल जाएगी। ये ISSA होता है, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, NASM होता है, NESTA। चलिए दोस्तों, तो अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करते हुए आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों का परेशानियाँ जितनी मैंने बताई हैं वो सब नॉर्मल परेशानियाँ हैं, वो जिम ज्वाइन करने पे आती हैं और सभी लड़कों के जीवन में आती है, तो उसे डरने की कोई बात नहीं है, आप रेगुलर रहिए, आप उससे लड़ते रहिए, और थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए कि गैप ना हो, क्योंकि गैप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बस गैप नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और रेगुलर हो जाइए, और इन सब छोटी छोटी परेशानियों से डरिए नहीं, फाइट करते रहिए, कुछ दिन बाद आप रेगुलर हो जाएंगे, आदत हो जाएगी, उसके बाद आपको खुद जिम स्किप करने का मन नहीं करेगा। तो इसी के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप सभी लोगों से प्लीज 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 सभी ने निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुभम त्रिपाठी फिटनेस यूट्यूब चैनल। और हम लोगों को ऐसे ही आगे देखते रहने के लिए, अपना अनुभव आप लोगों को शेयर करने के लिए, आप लोगों को अच्छी डाइट प्लान देने के लिए, अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए फॉलो करिए, ज्वाइन कीजिए। और एक बार शुभम सर को मौका दीजिए आप तक पहुँचे और आपको अपना ज्ञान अनुभव कीजिए, ज्वाइन करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको रिजल्ट जरूर दिखे।